मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी का कार्य किया, हालांकि दो महीने पहले तक इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दो माह पूर्व प्रदेश में गेहूं उपार्जन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। 16 अप्रैल से 25 मई तक 15 लाख किसानों से 114,17,000 मैट्रिक टन उपार्जन किया गया है। कुल 11,47,00,000 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया गया। जहां गेहूं की खरीदी का कार्य शेष है, वहां 31 मई तक गेहूं खरीदी का कार्य किया जाएगा। किसान SMS प्राप्त होने पर ही गेहूं विक्रय के लिए खरीदी केंद्र पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क का उपयोग करें। भाई और बहनों नमस्कार, आप सबको बधाई दे रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में ये आपका परिश्रम है कि अन्य का रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। गेहूं के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, आप लोग उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, हमने भी गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया। अभी दो महीने पहले तो मैं आया हूं, गेहूं खरीदी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज भी व्यवस्थाएं बनाई, बारदानों का इंतजाम किया था 16 मीट्रिक टन का, लेकिन गेहूं की बंपर आवक लगातार बढ़ती चली गई। हम भी बारदानों का इंतजाम करते चले गए, खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कोरोना के कारण समय पर खरीदी शुरू नहीं हुई थी। 16 अप्रैल को हमने विपरीत परिस्थितियों में गेहूं की खरीदी शुरू की थी और 25 मई तक 15,03,000 किसानों से कुल मिलाकर 114,70,000 मीट्रिक टन यानी 11,47,00,000 क्विंटल गेहूं खरीद चुके हैं। आप स्वयं सोचिए व्यवस्था बनाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन आगे भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के कारण, कुछ और परेशानियों के कारण बारदाने भी डिले हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था तो 16 मीट्रिक टन की थी, लेकिन हम हर तरफ से पका रहे हैं। इसलिए जहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया है वो चिंता ना करें। उन जिलों में जहां गेहूं की खरीदी पूरी नहीं हो पाई, 31 मई तक गेहूं उपार्जित किया जाएगा। लेकिन एक निवेदन आपसे है, अव्यवस्था ना हो इसलिए जब आपको SMS किया जाए तभी खरीदी केंद्र पर आए, दो गज की दूरी बनाए, मुंह पर फेस कवर लगाए और सुरक्षित अपना गेहूं खरीद केंद्र पर बेचें। परेशानी से बचिए, हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपका गेहूं खरीदेंगे। और आपने देखा कि दो महीने के बीच में हमने 0% ब्याज पर कर्ज फिर देने का फैसला किया और 0% ब्याज पर भी कर्ज चुकाने की तिथि बढ़ा के 31 मई कर दी। 990 करोड़ रुपया 15 लाख से ज्यादा किसानों की फसल बीमा योजना के अंतर्गत खाते में डाले। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, 1,365 करोड़ रुपया लगभग 68 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले गए। कृषि कार्यों के लिए चले हुए ट्रांसफार्मर बिना अतिरिक्त शुल्क के बदलने का फैसला किया गया। एक ने अनेकों फैसले किए, आगे भी लगातार करते रहेंगे। ये आपकी सरकार है, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के पीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।